श्रुति एक मसीही परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन जब से उन्होंने होश संभाला अपने आप को पढ़ने में कमजोर पाया। और इसी कमजोरी के कारण मेरे माता पिता ने मुझे ट्यूशन में दाखिला कराया। ट्यूशन में जाने के बाद भी ट्यूशन टीचर के सख्ती की वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था पढ़ाई को लेकर के, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा घबराहट में और कमज़ोर होती चली गई। मैं स्कूल में जाना पसंद नहीं करती थी, मैं घर ही पे रहना पसंद करती थी। मुझे जाना पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ जा कर के अगर टीचर्स मुझसे सवाल पूछती थी तो मैं घबरा जाती थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि सब ध्यान अपना पढ़ाई में ही लगाना चाहते थे। सबकी दोस्ती भी अपने अपने आपस में ही थी और वहाँ पर मैं एक तिरस्कार को महसूस करती थी। मुझे रिजेक्टेड फील होता था क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इन परेशानियों के कारण जैसे तैसे उन्होंने अपनी 10वीं क्लास पास कर ली। इसी दौरान उनके चर्च में यूथ को उत्साहित करने के लिए एक पास्टर आए और उन्होंने आकर के हम सभी को उत्साहित किया कि हम लोग कोई ना कोई बाजा बजाना सीखें और प्रभु की महिमा के लिए गीत भी गाना सीखें। तो उन्होंने जब हम लोगों से हमारी इच्छा को पूछा तो मैंने अपने बचपन की इच्छा उनको बताई कि मुझे गिटार बजाना सीखना है, और उन्होंने इसके लिए मुझे उत्साहित किया। जब मैंने गिटार बजाना सीखना शुरू किया तो मैं प्रभु के काम के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। धीरे धीरे गिटार सीखते हुए उन्होंने गिटार बजाने में महारत हासिल कर ली। जब मैंने गिटार सीख लिया तो उसके बाद मुझे कई जगह पे प्रभु की आराधना करने का मौका मिला। उनमें से मैं कलीसिया में भी बजाती थी और मुझे मेरे स्कूल में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी दौरान मुझे स्कूल में एक क्वायर बनाने का मौका मिला और इस क्वायर के साथ मैंने प्रभु की आराधना करनी शुरू करी। मैं उन बच्चों को गिटार बजाना भी सिखाती थी और गीत गाना भी सिखाती थी। हम लोगों ने साथ मिलकर के एक गीत को तैयार किया जिसका नाम था ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, और इस गीत के जरिए प्रभु ने मुझे भी सिखाया कि मेरे अंदर जो तिरस्कार की आत्मा थी वो ख़त्म होती चली गई और मेरे अंदर हियाव आता गया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और मैं प्रभु में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल और जिंदगी में स्टूडेंट्स की सोच को बदलते महसूस किया। इसी गीत के बाद बच्चों का झुकाव मेरी तरफ बढ़ने लगा और जहाँ पहले कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था अब सब मेरे दोस्त बनना चाहते थे। जहाँ कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था अब सब मुझसे सीखना चाहते थे। अपने इलेक्ट्रिक शॉक के निशानों को मैं बच्चों को दिखा के अपनी गवाही बताती थी और इसी के बाद मैंने बच्चों के मनों में विश्वास को पैदा होते हुए देखा और वो मेरे पास आते थे, मेरे साथ संगति भी रखते थे और मुझसे प्रार्थना भी करवाते थे। और मैं इसी बात से मेरे मन में एक आनंद आना शुरू हुआ कि प्रभु मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी में बदलाव को देखते हुए अब श्रुति आत्मिक जिंदगी में भी बढ़ती चली गई। जब मैं वचन पढ़ती थी तो मुझे कलाम से एक आयत मिली जिसने मुझे बहुत उभारा, और ये आयत मुझे मिली भजन संहिता 3:3 में जहाँ कुछ ऐसा लिखा है, हे प्रभु यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के बाद प्रभु ने बताया कि वो ही मेरी ढाल है, वो ही मेरा दृढ़गढ़ है और मुझे उसकी महिमा के लिए रचा गया है, जिसके बाद मैंने प्रभु के काम को और अच्छे से करना शुरू किया। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ती चली गई और मैं उसमें भी अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करने लगी। श्रुति अब तिरस्कार भरी जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, अब वो अपना कदम एक नए भविष्य की ओर बढ़ा चुकी है। जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा को पास किया तो मुझे मौका मिला कि मैं बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन IMS यूनिवर्सिटी से करने वाली हो सकी। यहीं से प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया और मैं कई सारे न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और रेडियो स्टेशंस में भी काम करने वाली हो सकी। और आज मैं शुएट्स यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ और इसके लिए मैं सारा आदर और महिमा, सारा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को ही देती हूँ।